गुड मॉर्निंग किड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 7, थीम फॉर अ ड्रीम। सो किड्स, लेट्स बिगिन आर न्यू चैप्टर ऑफ सेकेंड टर्म। ओके, आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज गिवन सम पिक्चर्स किड्स। आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे बेटा, ये वाले 1, 2, 3 एंड वन मोर पिक्चर इज देयर विच इज 4 नंबर यहाँ पर है। तो ये आपको पहले क्या करना है, मैच कर लेना है, राइट। आपको आपकी बुक में भी एज इट इज ही कॉपी करना है। दिस इज व्हाट, ओलंपिक गेम्स, दिस इज द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स, इससे मैच करना है। पैरालंपिक गेम्स, दिस वन। थर्ड वन इज ये है हमारा नेक्स्ट वन, राइट, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। ये है हमारा आंसर इसका, कॉमनवेल्थ का। एंड एशियन गेम्स, ये वाले। तो इस तरह से आपको अपनी बुक में मैच कर लेना है। नाउ लेट्स कंटिन्यू योर चैप्टर। किड्स, हियर इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल एंड द नेम ऑफ द गर्ल विल कम इन द चैप्टर। सो लेट्स कंटिन्यू द पैरा। फर्स्ट वन, द फोन रैंग इन हाउस इन सेलम मरियप्पन तंगवेलु। आई नो द नेम्स आर वेरी टफ फॉर यू बिकॉज इट्स अ साउथ इंडियन नेम, सो प्लीज ट्राई टू स्पीक। मरियप्पन तंगवेलुस मदर स्पोक टू द पर्सन ऑफ द अदर एंड। फोन की बेल बज रही है घर में, इन द सेलम। मरियप्पन तंगवेलु की माँ बात कर रही है विद द अदर पर्सन इन द अदर एंड। येस, दिस इज मरियप्पन्स होम। मम्मी ने क्या बोला, येस दिस इज मरियप्पन्स होम, ये उनका ही घर है। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग, प्लीज प्रे फॉर हिम, बाय। मम्मी ने उन्हें थैंक्स कहा, ब्लेसिंग के लिए कहा कि आशीर्वाद देना, और बाय कहा। नेक्स्ट, मरियप्पन तंगवेलु वॉज अ पार्टिसिपेटिंग इन 2016 समर पैरालंपिक गेम्स बिगिन हेल्ड इन रियो दी जेनेरियो। पैरालंपिक गेम्स का मतलब होता है बच्चा, जो बच्चे या जो भी इंसान पैरालाइज्ड होते हैं, यानी वो पूरी तरह से विषम होते हैं, इट मीन्स वो सक्षम नहीं होते, कोई भी काम के लिए कैपेबल नहीं होते, तो उनका कुछ पार्ट बॉडी का ऐसा होता है जो काम नहीं करता है, इवन दो दे डू वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। तो इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें ऐसे इंसान लोग पार्टिसिपेट कर सके जो कि हैंडीकैप होते हैं, उसे पैरालंपिक गेम्स कहते हैं। तो मरियप्पन ने क्या किया, 2016 में इसमें पार्ट लिया, एंड इट वॉज हेल्ड इन रियो दी जेनेरियो। इट वॉज अ नो ऑर्डिनरी अचीवमेंट, ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं थी। एट द एज ऑफ 5, मतलब जब वो 5 साल की थी, एट द एज ऑफ फाइव तंगवेलु सफर्ड परमानेंट डिसेबिलिटी इन हीज राइट लेग। मतलब उन्हें जो भी हुआ था, पैर में क्यों हुआ था, वो एक एक्सीडेंट के कारण हो गया था, जिसके उनसे उनके राइट लेग में चोट लगी थी। चोट लगने के कारण वो डिसेबल हो गए थे, यानी वो अपने राइट पैर से वो काम नहीं कर सकते थे जो लेफ्ट से कर सकते थे। एंड एट द एज ऑफ 5, हियर इज टॉकिंग अबाउट बॉय, राइट बच्चा, यहाँ पे बॉय के बारे में हीज दिया है ना, तो ये बॉय के बारे में बात हो रही है। ही वॉज वॉकिंग टू द स्कूल वेन ही केम अंडर अ बस विच क्रश्ड हीज लेग बिलो द नी। यानी ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था, जब वो स्कूल जा रहे थे तो बस जो होती है उनके पैर पर चढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनका राइट पैर खराब हो गया था। वेन इट हील्ड इट वॉज नॉट मच ऑफ अ लेग, जब उन्हें रिकवरी मिली तो पता चला कि वो पूरी तरह से नहीं मिली। नाउ ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद द राइट लेग, इट मीन्स वो एक तरह से पैरालाइज हो गए थे, राइट, मतलब वो अच्छी तरह से राइट पैर से काम नहीं कर सकेंगे कभी भी। इट वॉज नॉट मच ऑफ अ लेग डिस्पाइट हिज डिफिकल्टी ही इंजॉयड प्लेइंग वॉलीबॉल इन स्कूल। इन सब के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, स्कूल के वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन में वो हमेशा भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे और खेला करते थे। उनके इस टैलेंट को देखकर उनके जो टीचर्स थे,
दे ऑलवेज इनकरेज्ड, उन्हें हमेशा इनकरेज करते रहते थे, यानी बढ़ावा देते थे कि यू हैव टू डू एनी थिंग वॉट यू वॉन्ट. टीचर ने कहा ट्राई हाई जम्प. टीचर ने जज किया बच्चों को कि आपको क्या करना चाहिए. किसको जज किया? तंगवेली को, कि बेटा यू आर अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट किड, सो यू कैन ट्राई योर एबिलिटी इन हाई जम्प. ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट स्पोर्ट्स अवार्ड एट द एज ऑफ 14. उन्होंने अपना पहला अवार्ड कब लिया? एट द एज ऑफ 14 इन 2019, बिकॉज ऑफ हिज टीचर. टीचर ने उन्हें इनकरेज किया, जिसकी वजह से उन्हें 14 साल की उम्र में ही 2009 में पहला अवार्ड मिला. फॉर देन ऑन तंगवेलु स्टार्टेड ट्रेनिंग हार्ड फॉर द पैरालंपिक गेम्स. उसके बाद ही तंगवेलु को अपनी कैपेबिलिटी की पता चली और उन्होंने हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी अपने पैरालंपिक गेम्स के लिए. ओके किड्स, तो इसलिए हमें कोई भी काम के लिए एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए. ट्राई टू गिव योर बेस्ट ऑलवेज. हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. देखा आपने, तंगवेलु हैंडीकैप होने के बावजूद उसने स्पोर्ट्स में अपना नाम किया, पैरालंपिक की ट्रेनिंग भी ली बिकॉज ऑफ हिज टीचर, बिकॉज टीचर ने उसे जज करके बताया कि उसके अंदर की एबिलिटी क्या है. फाइनली ही स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर हिज पैरालंपिक गेम्स. ओके किड्स, नाउ लास्ट लाइन इज वॉट, सो वॉट आर द पैरालंपिक्स एंड हाउ डिड दे बिगिन. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट इज पैरालंपिक गेम्स और इसकी शुरुआत कैसे, कहां और किसने की थी. ओके किड्स, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे सेफ एट होम.